नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां पुलिस हिरासत में ट्यूटर की मौत के आरोपों के बीच आज पुलिस ने बैतूलगंज पुलिस चौकी का फॉरेंसिक जांच करवाया है। नर्मदापुरम से पहुंची जांच टीम ने मौके पर एक घंटे से ज्यादा समय रुककर साक्ष्य एकत्रित किए। यहां टीम को कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। बैतूल के गंज इलाके में रहने वाले ट्यूटर लल्लू माथनकर की पिछले 7 फरवरी को संदिग्ध हालत में जिला अस्पताल में लाश मिली थी। परिजनों ने मामले में लल्लू की पुलिस हिरासत में मौत होने का आरोप लगाया था। मामला तूल पकड़ रहा है। मामले में एसपी ने एसडीओपी शाहपुर को जांच सौंपी है। मामले में घटना स्थल रेलवे स्टेशन के पास पुराना गंज थाना का बताया जा रहा है, जिसके बाद आज इस पुलिस चौकी पर पहुंचकर होशंगाबाद की एफएसएल टीम ने जांच की है। फॉरेंसिक साइंस अधिकारी ऋषिकेश यादव ने यहां पहुंचकर मौके के कई साक्ष्य एकत्रित किए हैं। उनके साथ वरिष्ठ फॉरेंसिक साइंस अधिकारी वीके बाथम भी मौजूद थे। दोनों ने गंज पुलिस चौकी में मारपीट से लेकर अन्य साक्ष्य एकत्रित करने की बात कही है। फॉरेंसिक अधिकारी ऋषिकेश यादव के मुताबिक मौके से कोई भी भौतिक साक्ष्य नहीं मिला है। जिस साक्ष्य को यहां से एकत्रित किया गया है, उसे जांच के लिए सागर लेबोरेटरी भेजा जाएगा। जांच टीम में शामिल वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे वीके बाथम ने बताया कि मौके पर कुछ भी नहीं मिला है। ना तो यहां मारपीट, संघर्ष, रगड़ जैसे कोई निशान मिले हैं, ना ही कोई साक्ष्य मिला है। जो एविडेंस होशंगाबाद टीम को मिले होंगे, उसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 15 से 30 दिन में मिलेगी। यहां बंद होने की वजह से धूल बाल जैसे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह अपराध से जुड़ा हुआ हो। घटना का हमने बारीकी से निरीक्षण किया और अभी ऐसा कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिला हुआ है।